Math Pirates. I hope my pirates are doing good and definitely preparing for your exams, right? So today your captain is here to boom this whole chapter comparing quantities in one go. So I hope my pirates are ready to boom this chapter with me. Ready? तो चलो इसे बूम कर देते हैं मेरे बच्चों. So let's start with percentage and ratio. Let's suppose Khushi have 4 apples and Kavya had 20 apples. So what can we say that? What is the ratio? We can say that Khushi has 4 apples and Kavya have 20 apples. Also what we can say that for each apple that Khushi has, Kavya will have 4 apples. अगर Khushi के पास 1 apple है तो काव्या के पास 5 एप्पल्स हैं. Why? Because Khushi has 4 and Kavya has 20. So therefore the ratio of apples between Khushi and Kavya is 1:5 in the simplest form. Isn't it amazing and easy peasy? तो guys सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही वेदांतु आपकी बूम करने वाला है और इजी पीजी करने वाला है. दैट डाउट्स प्रॉब्लम, नोट्स प्रॉब्लम, टेस्ट एंड असाइनमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, चॉइस ऑफ शेड्यूल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज विद लॉट्स ऑफ मस्ती एंड अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स. तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको बोनस भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको बोनस भी दे रहे हैं. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज फ्री, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलेगी ही. सो विजिट दिस लिंक vdnt.in/ytpro एंड गेट द डिस्काउंट दैट इज 15% ऑफ, नॉट 30, व्हेन यू अप्लाई द कूपन कोड ATPRO. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्काउंट जो कि आपको ATPRO यूज़ करने पर मिलता है. अपना क्या ATPRO यूज़ करने के बाद क्या डिस्काउंट मिलता है? डेफिनेटली फॉर 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स के प्लान में. तो डिस्काउंट है क्या भाई ये? वी ऑल गो टू शॉपिंग मॉल्स एंड वी ऑल परचेज थिंग्स इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइक e-कॉमर्स साइट पे हम खरीदते ही हैं. तो हमें दिखता है यार जब ये डिस्काउंट आने वाला है तभी हम खरीदने वाले हैं. क्यों? बिकॉज हमें जितना भी MRP होता है उससे कुछ कम पे करना पड़ता है, तभी तो हमें मज़ा आता है वो चीज़ खरीदने में. वी ऑल लव डिस्काउंट. तो एक काम करते हैं आपको ख़रीदनी थी एक जीन्स, आपको एक पार्टी में जाना था, सो यू परचेज अ जीन्स और फ्लिपकार्ट पे आपने देखा 30% का ऑफ है एंड MRP वॉज 1000 रुपीज़. तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा भाई? 1000 रुपीज़ की जीन्स है, 1000 रुपीज़ की आपकी जीन्स है, उस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है. तो मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है? 3 × 100, 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है. मतलब आप 1000 नहीं पे करोगे, उसमें से 300 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, तो 300 कम पे करोगे. तो 1000 - 300 दैट इज़ ₹700. आपको ये वाली जीन्स डिस्काउंट के बाद मिलने वाली है 700 की. ठीक है, तो अब हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को. पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? बहुत ही ईजी चीज़ है, हम सबको हमारा प्रॉफिट पता है. आपको प्रॉफिट अपना पता है कि मैथ्स पायरेट में कैप्टन के साथ पढ़ के आपका प्रॉफिट है, कुछ आपको नॉलेज मिलने वाली है, कुछ मज़ा आने वाला है. तभी तो आते हो हमारे पास, है ना? तभी तो आप YouTube देखते हो. अगर आपको पता है कि PUBG खेलने से आपका नुकसान हो रहा है, तभी तो आपको पता है ना कि आपका लॉस है. आपको सब चीज़ पता है अपने लिए कि क्या बेस्ट है. आपको पता है आपको वीडियो देखना इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट दैन चैटिंग. तो राइट नाउ यू आर वॉचिंग द वीडियो. आई नो यू गाइज चैट ऑल्सो राइट नाउ, ऑल्सो यू मस्ट बी चैटिंग इन दी लाइव चैट, राइट? So everybody knows what is profit and loss. Now in this case बेटा, इसी जीन्स वाले केस में हम देखते हैं कि आपकी जीन्स थी बेटा अब 1000 की. तो आप अपने आप को एक बिजनेस माइंडेड सेल्समैन समझो या शॉपकीपर समझो. तो आपने क्या किया, थोड़ा सा चलाया अपना दिमाग और इस 1000 की टैग प्राइस को फेंका और लगा दी नई टैग प्राइस. अब बता दिया जीन्स इज ₹1300. कितने की बताई आपने अब जीन्स? 1300 रुपीज़ की कस्टमर को. तो आपने प्रॉफिट किया अपने लिए या लॉस किया कि आप ये जीन्स सेल कर रहे हो, आप ये एक बिजनेसमैन हो, आप एक शॉपकीपर हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सीपी वाज 1000 रुपीज़, अब कितना है न्यू सीपी दैट इज एमआरपी ₹1300, तो 300 रुपये का आप प्रॉफिट कमा रहे हो इस पर, तो दैट इज 300 प्रॉफिट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि क्योंकि इस जीन्स में ना कुछ डिफेक्ट्स थे, तो एज अ शॉपकीपर आप सोचोगे कि ये सेल ना हो, उससे अच्छा कि हमें कुछ तो मिल जाए, तो आपने इस 1000 रुपीज़ की जीन्स की टैग पे हटा दिया और बोला यार ये है 900 रुपये की। तो अब मुझे बताओ आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? डेफिनेटली लॉस हो रहा है, क्योंकि वो थी 1000 की, अब आप बेच रहे हो 900 में, दैट मीन्स ₹100 का आपको लॉस हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की। ये तो बात हुई प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़ में बताने की, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की। तो अब बताते हैं, यहाँ पर जब आपने इस टैग प्राइस को लगाया था तो आपको प्रॉफिट हुआ था कितने रुपीस का? प्रॉफिट हुआ 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, है ना यार मेरे बच्चों। अब आप बताओ ये 300 रुपीज़ का प्रॉफिट किस प्राइस पे आपको होगा? जितने पे आपने खुद खरीदा, क्योंकि आप एक शॉपकीपर हो और आपका ये था कॉस्ट प्राइस। तो डेफिनेटली प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपका बेस प्राइस होगा सीपी, क्योंकि आपका वो था 1000 और प्रॉफिट था 300, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, दैट इज नथिंग बट 30%। अब हम निकालते हैं लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सेम है फॉर्मूला, बिल्कुल सीपी इंटू 100 वही है, लॉस और प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस बेटा। तो बच्चों टैक्सेस हमारे 3 टाइप के हैं जो आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी। तो सेल्स टैक्स जो कि इम्पोज्ड होता है ऑलरेडी एमआरपी में, दैट मीन्स एमआरपी बेटा अगर आपकी डेली मिल्क चॉकलेट की 100 रुपीज़ है, तो इस 100 में आपका मान लो सेल्स टैक्स है 10 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि 90 रुपीज़ की चॉकलेट है और 10 रुपये वो टैक्स का जुड़ा हुआ है, सेल्स टैक्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स की। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना बेटा, ये आपका शॉपकीपर जो होता है ना, जो आपके शॉपकीपर होते हैं उनको पे करना होता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनको ये वैट पे करना होता है, बट एक्चुअल में वैट हमसे वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरपी। ठीक है, अब आते हैं हम जीएसटी पे। तो दैट इज़ नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हम अपने डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, डेली लाइफ के ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता है आप जितना भी अमाउंट सेव करते हो या फिर लोन करते हो, और जितने टाइम पीरियड के लिए और जिस रेट से, उसी अकॉर्डिंग निकलता है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे परमवीर ने ना एक रनिंग कंपटीशन में कैश प्राइज जीता 20,000 रुपये का मान लो। तो उसने क्या किया, इसी अमाउंट को उठा के इन्वेस्ट कर दिया बैंक में कि यार बैंक मुझे ना कुछ इंटरेस्ट देगा। तो 20,000 रुपये उसने जमा कर दिए बैंक में कि बैंक मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा। अब ये दिमाग उसने इसलिए लगाया बिकॉज परमवीर इज इंटेलिजेंट बॉय, तो उसको चाहिए था यार एक इलेक्ट्रिक गिटार जो कि है 25,000 रुपीज़ का, बट उसके साथ अभी दिक्कत ये है कि उसके पास 20,000 रुपये हैं। तो उसने सोचा 2 साल के लिए अगर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ किसी बैंक में, तो मेरे पास ये 25,000 रुपये आ जाएंगे। तो वो गया एक बैंक में, तो उसने क्या किया, बैंक को पूछा कि मुझे ये 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आप बताओ मुझे किस रेट पे मुझे इंटरेस्ट दोगे आप। तो बैंक भी चालू था, उसने कहा मैं 10% का रेट दूंगा। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ सोच के। अब परमवीर गया बैंक नंबर 2 पे। तो बैंक नंबर 2 ने कहा भाई मैं तुम्हें 20% की रेट से इंटरेस्ट दूंगा। तो परमवीर के दिमाग में आए ये 3 सवाल, तो परमवीर की हेल्प कर देते हैं। तो यार अगर परमवीर फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करता है अपने 20,000 रुपये, तो 10% की रेट से उसको फर्स्ट ईयर कितना मिलने वाला है इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा 2,000 रुपये, है ना। तो ये आपको समझ आ गई बात कि अगर परमवीर फर्स्ट ईयर फर्स्ट बैंक में जहाँ 10% का रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसे 2,000। अब सेकेंड ईयर में उसको कितना मिलेगा, वही सेम 20,000 पे 10%, दैट इज अगेन 2,000। तो टोटल मनी उसके पास कितनी हो गई एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के लिए तो इन्वेस्ट किया था उसने बैंक में, तो वो 20,000 रुपये जो उसने इन्वेस्ट किए वो तो हैं ही उसके ना भाई, वो थोड़ी कोई छीन सकता है। तो ये जो 20,000 रुपये है प्लस जो 2,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 2,000, दैट इज 4,000, मिला के कितने हो गए 24,000। तो हमारे परमवीर के पास आ गए हैं 24,000। तो क्या परमवीर अब अपना इलेक्ट्रिक गिटार खरीद सकता है जो कि रुपीस का था 25,000 का? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है क्या? परमवीर तुम बता सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो अब परमवीर गया सेकेंड बैंक की कैलकुलेशन पे। तो सेकेंड बैंक में उसने बोला था कि मुझसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट हो गया 20/100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया उसका 4,000 रुपीज़, सही बात है। अब परमवीर ने सोचा अब सेकेंड ईयर मुझे कितना मिलेगा, माइंड कैलकुलेशन कर रहा है परमवीर भाई। तो 20,000 रुपये पे फिर से उसको 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो वो फिर से आपको मिल रहा है 4,000 रुपये, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो परमवीर के हो गए 4,000 पहले साल के, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 4,000, तो टोटल 8,000 हो गया इंटरेस्ट। तो टोटल मनी विद परमवीर इज राइट नाउ 20,000 प्लस 8,000, दैट इज 28,000। आप बता सकते हो परमवीर कि आप इलेक्ट्रिक गिटार खरीद सकते हो? क्या उसके दोस्त बता सकते हैं? पायरेट्स टेल मी, क्या आप परमवीर गिटार खरीद सकता है? बिल्कुल। सो फाइनली परमवीर हैज बॉट दी गिटार आफ्टर इन्वेस्टिंग इन बैंक नंबर 2। सो थैंक यू बैंक फॉर गेटिंग गिटार फॉर आवर परमवीर। नाउ फॉर्मूले की बात करते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब अभी तक तो हम समझ रहे थे टॉपिक को, तो अब हम समझते हैं फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, है ना, अपॉन 100 ऑब्वियसली। तो अब यहाँ प्रिंसिपल कौन है? जो 20,000 हमारे परमवीर के पास थे। टाइम क्या है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, परमवीर ने 2 साल के लिए किया। रेट क्या था? एक बैंक में 10% था, दूसरे बैंक में 20% था। तो यही है फॉर्मूला। अब हम डेरिवेशन देखते हैं। ये तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। और अमाउंट क्या होता है जो यार आपके पास टोटल होगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 2 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद जैसे परमवीर के पास 28,000 हो गए थे ना, वही है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यार यहाँ से हम इस फॉर्मूले से डेरिवेशन देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा कि प्रिंसिपल बताओ, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। तो SI × 100 RT, रेट निकालना है SI × 100 PT, टाइम निकालना है SI × 100 PR, बस यही है सिंपल सी चीज़। अब आ जाओ गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है, अभी समझाती हूँ। पहले समझो, एक सेतु है हमारा बच्चा, हमारा पायरेट, उसको ना रनिंग कॉम्पिटिशन में 20,000 रुपये मिले, ठीक है। तो उसने सोचा इन्वेस्ट करूंगा, वो भी पायरेट है तो इंटेलिजेंट तो है ही। तो उसने क्या सोचा, वो प्लेस्टेशन खरीदेगा जो कि है 24,200 का, और 2 साल का टाइम दे रहा है वो। तो पहले बैंक ने उसको बोला 10%, तो उसको कितना मिलेगा। फिर दूसरे बैंक गया वो, तो दूसरे बैंक ने बोला मैं 20% दूंगा। तो ये सारा दिमाग सेतु के दिमाग में भी आया कि क्या होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट बैंक में उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो एज वी नो फर्स्ट बैंक में उसका फिर से 2000 होगा, बट सेकेंड ईयर में कितना होगा यहाँ समझने की बात है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट था 20,000 रुपये था और उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है 2,000 रुपये का 10% की रेट से। अब आती है सेकेंड ईयर पे, तो प्रिंसिपल अब यहाँ चेंज हो जाएगा। ये जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है ना वो ऐड कर दो प्रिंसिपल अमाउंट में, तो बन गया 22,000 बन गया। अब इस पे एसआई निकालो मेरे बच्चों, अब इस पे एसआई निकालो, तो दैट इज़ 22,000 इंटू 10/100। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो आ गया 2200। तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट इंटरेस्ट हो गया 2000, सेकेंड ईयर का 2200, तो टोटल मनी हो गया सेतु के पास 24,200। तो क्या वो प्ले स्टेशन खरीद सकता है? सेतु बता सकते हो क्या? नहीं, है ना। अब क्या करेगा सेतु, 20% की रेट से कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ फर्स्ट ईयर से 4,000 मिला उसे, है ना, इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर उसको मिला भाई 4,800। अच्छा कैसे, वही तो मैं समझाना चाहती हूँ आपको। अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का एज यूजुअल वही 24,000, है ना। अब 20% की रेट से निकालोगे ना मेरे बच्चों, तो ये कितना हो गया 4,800 हो गया कि नहीं। अब एक बात समझो, उस सेतु को मिला है फर्स्ट ईयर 4,000 इंटरेस्ट, है ना, सेकेंड ईयर मिला है 4,800, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सेतु का 24,000 प्लस 4,800 दैट इज 28,800। तो क्या अब सेतु गिटार खरीद सकता है? बिल्कुल, सेतु अब प्ले स्टेशन खरीदेगा, सॉरी गिटार नहीं, प्ले स्टेशन सेतु खरीद चुका है। सो थैंक यू टू बैंक नंबर 2 फॉर गिविंग 20% ऑफ डिस्काउंट so that Sethu could buy PlayStation after 2 years. Now let's come to formula, beta. In compound interest, beta, we have the simplest formula. This is it. Okay. So amount का formula अगर आपको समझ आ जाता है तो compound interest आपके लिए लड्डू है। देखो amount आपको पता है ना क्या होता है, जब आपका जो principal amount है उसमें add कर दो simple interest, तो वो total बन जाता है आपका amount, है ना। तो बच्चों amount का formula होता है, देखो यार फॉर्मूले ना टफ मत समझो, ये आपका क्वेश्चन इजी बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, कि ये सालों की मेहनत होती है मैथमेटिशियंस की। आप इनको बोल देते हो गंदे हैं, ये हैं, वो है, कितना बुरा लगता होगा यार। वो ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे मैंने इतनी मेहनत करके ये फॉर्मूला बनाया और ये मेरे फॉर्मूले की बुराई करते हैं, कितना बुरा लगता होगा उन्हें, है ना। तो यार हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, थोड़ा उनको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो मैं बताती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। इतना तो याद कर सकते हो, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है। प्रिंसिपल आपको पता ही है, 1 तो रेट पता ही होता है, टाइम तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। अब आती है बात हाफ ईयरली की, तब यहाँ पे ना हाफ कर देना रेट को और टाइम को डबल कर देना, बस इतना सा काम होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, द मार्क्ड प्राइस, आप कुछ थोड़े से क्वेश्चन भी तो करने हैं बाइटर्स को। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम वाज ₹2,000 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%, हाउ मच डिड ही सेल द आइटम फॉर, वो कितने का आइटम उसने बेचा। सो फर्स्ट डिस्काउंट वॉज 20%, सो फर्स्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट दैट इज 100 minus 20%, तो 80% ऑफ द प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज नथिंग बट 80% ऑफ 2,000 जो कि आ गया आपका 1,600। अब सेकेंड डिस्काउंट था 15%, तो प्राइस आफ्टर दैट वुड बी 100 minus 15% दैट इज 85% ऑफ द न्यू प्राइस, तो ये 1600 का 85 आ गया 13560. So the new item is finally sold for 1360. I know you guys must be having some doubts regarding this. तो आपको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करना है you are free to do that and do let me know in the comment section in which method you are solving. मैं भी तो देखियो पायरेट्स का मेथड सही है या नहीं. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, सो डोंट गेट अफ्रेड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई सेलिंग अ वाटर हीटर फॉर रुपीज 3200 द शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%. He wants to earn profit of 20%. At what price should he sell water heater? यार simple है question. तो selling price था 3200. That means 100 minus 20% of CP, that is 80 multiplied by CP upon 100. So CP will become 3200 into 100 upon 80. For profit 20% is equal to selling price is equal to 100 plus 10. पर 20% of CP, so that is equal to 120 upon 100 multiplied by 3200 multiplied by 100 upon 80. So you have got the selling price 4800. ठीक है, so again I am telling you, if you have some other method to solve this, do comment down. Comment down which method you are following. Okay, now this is the question I am giving you for the homework. I want you guys to boom this question and let me know the answer. And this is the challenge of the day. Okay, pirates. So guys, this is it for today. So let's end this session. And before I go, if you face these many problems while studying online, then Vedantu have solved all of your problems all together. You are getting bonus as well, unlimited live classes, micro and crash course free, performance report, personalized attention. Visit this link, choose your grade, just select your targeted exam, get subscription पे click करो, check out the details there. We have 3 plans. So guys, if you apply the coupon code AT Pro अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है बहुत बेहतरीन डिस्काउंट. ठीक है, सो गाइज डू डेफिनेटली गो फॉर प्रो सब्सक्रिप्शन. आई हाईली रिकमेंडेड. यू विल सी द चेंज आफ्टर दैट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग टू दिस सेशन एंड आई होप यू हैव लव दिस सेशन. हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel and share it with your friends so that they can also get the idea of this whole chapter in one go, right? So bye bye guys, I hope you have loved this session. Do let me know, did you liked it, right? Okay, so let's end this session. Bye bye guys, we'll see you in the next session.